कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। बच्चों, जैसे कि हम लोगों ने पिछला जो सबक पढ़ा था वो था ना मुकालमा। मुकालमा किसे कहते हैं ये भी आपको बताया था कि मुकालमा कहते हैं दो लोगों की आपस की बातचीत। तो यहाँ पे भी आप लोगों की वर्कबुक है, वर्कबुक का पेज नंबर 76 है। 76 पे यानी कि आपका है काम ये मुकालमा निवारी। इसमें ये उनकी उसकी डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई, दो या दो से ज़्यादा अफराद की गुफ्तगू को मुकालमा कहलाती है। अच्छा मुकालमा लिखने के लिए उन असूलों का ख्याल रखिए। मुकालमे के मौजू के मुताबिक बातचीत तहरीर करें। मुकालमे ज़्यादा तवील या ज़्यादा मुख्तसर ना हो, यानी कि ज़्यादा लंबे भी ना हो कि दो दो तीन तीन पेजेस आपके उसमें भर जाएं, और ना ज़्यादा इतने छोटे हों कि तीन चार लाइंस का हो। तो इसके लिए ज़्यादा यानी कि ना हो ना कम हो। मुकालमे आसान ज़बान में हों। अच्छे मुकालमे में रमूज़ो अवकाफ़, सकता, ख़त्मा, सवालिया, अलामत वगैरह का मुनासिब इस्तेमाल करें। सकता की अलामत कोमा को कहते हैं, ख़त्मा यानी कि वो जुमला ख़त्म होने पे एंड पे लगाया जाता है, सवालिया का आपको बच्चों पता है। तो ये सारी अलामत देखी जाती है मुकालमे के लिखने के दौरान। अब जैसे अब यहाँ पे मैंने एक क्रिएटिव के तौर पे आपको आधा मुकालमा करवाना है और बाकी आधा मुकालमा आप लोगों ने खुद लिखना है। पहला मुकालमा ये है कि फ़र्ज़ कीजिए आपका दोस्त बीमार है, आप इसकी इयादत के लिए जाते हैं। इस दौरान होने वाली गुफ्तगू को मुकालमे के अंदाज़ में तहरीर करें। पहले हमारा मुकालमा जब शुरू होता है तो उसमें जैसे हम लोग किसी के घर जाते हैं सलाम और हाल अहवाल पूछने के से स्टार्ट होता है। जैसे अली अस्सलाम वालेकुम नाम लिखा है, फिर उसके बाद ये अलामत लगी है। तफसीला की अलामत भी इसे कहा जाता है कि आगे हमने बातचीत और करनी है। अली अस्सलाम वालेकुम, इसके बाद ये फजाइया की अलामत इसे बोलते हैं, एग्जामिनेशन मार्क भी कहते हैं इंग्लिश में, तो ये लगता है। ठीक है, अली अस्सलाम वालेकुम अहमद, अहमद वालेकुम सलाम, अली अली क्या हाल है, इसके बाद यानी कि क्वेश्चन पूछा है, यानी कि सवाल पूछा है, तो इसलिए इसके आगे अलामत सवालिया की आनी है। आज मैं स्कूल गया तो वहाँ दोस्तों से पता चला आज तुम स्कूल नहीं आए। यहाँ पे ये जुमला ख़त्म होता है तो ख़त्मा की अलामत और तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, यहाँ पे भी जुमला कम्प्लीट हुआ तो ख़त्मा की अलामत। अहमद हाँ यार, इसके बाद यानी कि ये बुलाने के लिए है तो इसमें एक्सप्लेनेशन मार्क लगेगा, यानी कि फजाइया की अलामत, कल से मेरा गला ख़राब है जिसकी वजह से बुखार भी हो गया। अली क्या खाया था जो गला ख़राब हो गया? अब ये बातचीत है उन दोनों दोस्तों के दरमियान, यानी कि एक तो उसकी इयादत यानी कि उसकी खबर गिरी के लिए गया है। अहमद यार तुम्हें पता तो है कि हम स्कूल में क्या खाते हैं। अब यहाँ पे बच्चों यहाँ पे फिर सवाल पूछा गया है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आगे लगेगा। इसी तरह बाकी आप लोगों ने लाइन्स पे इसको कम्प्लीट करना है, यानी कि इसको मुकम्मल करना है। मुकम्मल करके आप लोगों ने इसकी तस्वीर व्हाट्सएप कर देनी है। ये आप लोगों का काम यानी कि होमवर्क घर का काम है। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।